अपनी पत्नी की जिद की वजह से करवा चौथ पे बच गई थी फिल्म स्टार सुपरस्टार जंपिंग जैक जितेंद्र की जान। क्या था वो पूरा किस्सा देख रहे हैं आप एवन एंटरटेनमेंट अपनी दोस्त मेघा के साथ। चलिए चटरपटर गॉसिप को आगे बढ़ाते हैं। जितेंद्र की पत्नी की एक जिद ने उनकी उम्र को लंबा कर दिया। अब आप इसे करवा चौथ की ताकत मान लें या फिर कोई कोइंसिडेंस जिसने जितेंद्र को एक जानलेवा हादसे से बचा लिया। एक ऐसा हादसा जो जितेंद्र की आंखों के सामने हुआ जिसके बारे में याद करके आज भी वो डर जाते हैं। इस किस्से को खुद जितेंद्र ने एक शो में बताया था और याद करते हुए ये भी कहा था कि अगर करवा चौथ न होता तो शायद जिंदा नहीं होते वो आज। जितेंद्र ने बताया कि एक बार उन्हें रामा नायडू की फिल्म की शूटिंग के लिए चेन्नई जाना था और उन्होंने ये बात अपने घर में बताई तो उनकी पत्नी शोभा ने उन्हें याद दिलाया कि भाई करवा चौथ आ रहा है, रात को वो पूजा करेंगी। लेकिन जितेंद्र ने उन्हें ये समझा दिया कि उनका जाना भी बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं गए तो शूटिंग शेड्यूल हो चुका था, बहुत सारा नुकसान हो सकता था। अब ये बात सुनकर शोभा जो जितेंद्र की पत्नी थी उनके पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्हें छोड़कर जितेंद्र एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए जहाँ पर शाम को 7 बजे चेन्नई से उनकी फ्लाइट रवाना होनी थी। कुछ ही देर के बाद उन्हें ये खबर मिल गई कि भाई फ्लाइट डिले है, जिसे सुनकर जितेंद्र घर जाकर करवा चौथ की पूजा करने का डिसीजन लेते हैं। घर पहुंचे तो जितेंद्र की पत्नी इस जिद पर अड़ गई कि वो उन्हें जाने नहीं देंगी। चांद देखकर दोनों ने पूजा कर ली। पति की जिद के आगे जितेंद्र भी चुप हो गए। उन्होंने घुटने टेक दिए, कहा जैसी तेरी मर्जी मेरी माँ। वो घर पर रुक गए। देर रात वो अपने पाली हिल घर पर ही थे, घर की गैलरी पर खड़े थे जहाँ से उन्हें एक हवा का गोला हवा में तैरता नजर आया। कुछ ही देर में उनका फोन घनघनाते हुए बजने लगा। तब पता चला वो आग का गोला असल में वो फ्लाइट थी जिससे जितेंद्र चेन्नई जाने वाले थे, लेकिन वो फ्लाइट बीच में ही क्रैश हो गई। इसे जितेंद्र वाकई में करवा चौथ की ताकत मानते हैं। पत्नी की जिद के आगे आकर जितेंद्र तो बच गए, लेकिन जो उनके साथी रवाना हुए थे वो हादसे का शिकार हो गए। वेल, आजकल की जो यंग पॉपुलेशन है वो शायद इस चीज को ना माने, लेकिन हाँ जो पुराने दौर के लोग हैं वो आज भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो इस तरह की फास्टिंग्स होती हैं इनमें बहुत ताकत होती है, चाहे वो बच्चों के लिए हो, पति के लिए हो, पत्नी के लिए हो। आप क्या कहेंगे इस इंटरेस्टिंग गॉसिप के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।